टाइगर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी है किसी भी इकोसिस्टम के, और इंडिया में तो इनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। आज के समय की अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए जो कि 1973 में आया था, उसको पूरे 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, जो था प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक रोरिंग सक्सेस रहा है। आज के सेशन में हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर का बैकग्राउंड क्या है, इसके सक्सेस में क्या फैक्टर्स रहे और एट प्रेजेंट क्या चैलेंजेस जो है वो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। Hello students, welcome to Chahal Academy. My name is Shubhangi Singh and today we are going to talk about in detail about the population of tigers, tiger project and as well as what is the present conservation status of tigers in India. अगर हम इस बैकग्राउंड की बात करें तो अर्ली 1900s में इंडियन टाइगर पॉपुलेशन की रेशियो में, नंबर्स में बहुत ही बड़ा डिप देखा गया। ये इसकी वजह से था क्योंकि हंटिंग में काफी ज्यादा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में देखी गई। उसके अलावा जो रैपिड डिफॉरेस्टेशन हुआ उसकी वजह से भी टाइगर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस वजह से टाइगर्स की पॉपुलेशन काफी कम हो गई थी। यहां तक 1970s की अगर हम बात करें तो यहां पर एक मेजर डिप देखने को मिला था इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, बट इंडियन गवर्नमेंट और कंजर्वेशनिस्ट ने ये एफर्ट्स जो है लिए और इस एफर्ट का नाम रहा प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि टाइगर पॉपुलेशन को जो रिवाइव किया जा सके। और इंडिया की जो फाइट थी टू सेव द एनवायरनमेंट, ये प्रोजेक्ट टाइगर एंड सेविंग ऑफ टाइगर उसका एक मेन फेस बन गया। अगर हम इंडिया के टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर्स जो है रहते हैं एंड ये एक टेस्टमेंट है, ये एक प्रूफ है कि इंडिया की जो फाइट थी प्रोटेक्ट करने की टाइगर्स को और उनके सिस्टम को, वो कितनी जरूरी थी और कितनी इंपॉर्टेंट थी और ये सक्सेसफुल रही है। दैट मार्क्स कि इंडिया का जो एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ रहा है। ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था वो 1973 में हुआ था, जिसके अंदर इस वक्त अगर हम 2024 की बात करें तो 55 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि सेटअप हैं अक्रॉस 18 स्टेट्स और इनका जो टेरिटोरियल ज्योग्राफिकल कवरेज है वो 2.3% ऑफ इंडियाज लैंड जो है वो कवर करता है। अब बात कर लेते हैं कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर की। एट प्रेजेंट कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो अगर हम एज पर IUCN रेड लिस्ट देखें जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज काउंट होती है, वहां पर टाइगर का स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है। अगर हम साइट्स की बात करें, साइट्स में डिवीजन है अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज इंक्लूड होते हैं जिनका एक्सटेंशन का डर है, साथ ही साथ इनका कमर्शियल ट्रेड जो है प्रोहिबिटेड है एंड यहां पर अगर रिसर्च कंडक्ट की जानी है ऐसी स्पीशीज पर तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट इट एंड टाइगर को अपेंडिक्स 1 में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में प्लेस किया गया है। अगर इंडिया के कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत टाइगर्स को हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है एंड दे हैव बीन प्लेस्ड इन शेड्यूल 1। देयर इज अ होल वीडियो इन आवर प्लेलिस्ट जिसमें आपको कंजर्वेशन रिलेटेड जितने भी की टर्म्स हैं एक्सप्लेन किए गए हैं, यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट। अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि एट प्रेजेंट हमारे पास 55 टाइगर रिजर्व्स जो है ऑल अक्रॉस इंडिया इन 18 स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से कुछ प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड, मानस नेशनल पार्क इन असम, दुधवा टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, रणथंबोर टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, देन वी हैव तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, बांदीपुर इन कर्नाटका, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु, इंद्रवती टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़, सिमलीपाल इन ओडिशा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। These are the few prominent ones जो कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन्ड है। यू कैन फाइंड ऑल 55 ऑफ दीज which are very important from the perspective of conservation of tigers. Now let us move ahead and see कि significance क्या है tigers का and इनके reserve बनाने का, क्या importance है इन tiger reserve के creation का। Tigers as a species बहुत important है क्योंकि वो एक umbrella species में count होते हैं and वो उस इकोसिस्टम की जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं उसका हेल्थ डिपिक्ट करते हैं, क्योंकि वो टॉप प्राइमरी एपेक्स प्रेडेटर्स हैं किसी भी एरिया के। अगर उनको बचाया जाएगा तो वी कैन इंश्योर कि उस इकोसिस्टम की वेलबीइंग जो है और जो कम्युनिटीज एसोसिएटेड हैं उस इकोसिस्टम में, उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। जो टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं उनका मेजर पर्पस सिग्निफिकेंस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि टाइगर्स जो कि एपेक्स प्रेडेटर्स हैं वो प्रे पॉपुलेशन जिनका वो शिकार करते हैं उनकी पॉपुलेशन को चेक में रखते हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट जो है पॉसिबल रहता है। साथ ही साथ टूरिज्म को काफी प्रमोशन मिलता है बिकॉज ऑफ दिस हैबिटेशन और स्पीशीज के प्रेजेंस से टूरिज्म को बूस्ट मिलता है, जिससे लोकल इकोनॉमी जो है बनती है एंड कम्युनिटीज को भी बूस्ट मिलता है। साथ ही साथ टाइगर्स की कल्चरल एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी है। टाइगर्स काफी सारी कम्युनिटीज में उनका अपना एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, अलग अलग रिलीजन्स और अलग अलग कल्चर्स में। साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्च की अगर हम बात करें तो टाइगर जो है एक साइंटिफिक इंडिकेटर है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए, तो रिसर्च पर्पस से भी यहाँ पर हेल्प मिलती है इन द टाइगर रिजर्व। साथ ही साथ टाइगर्स जो है वो एक फ्लैगशिप स्पीशी है। यहाँ पर टाइगर का जो स्टेटस है दैट यू कैन सी हाउ पीपल आर ऑड बाय इट, एंड वो कैसे एक आइकॉनिक सिंबल जो है होल्ड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि इनका कंजर्वेशन जरूरी है, जिसके तहत हम पीपल पार्टिसिपेशन भी इंश्योर कर सकते हैं लोगों से बाय मेकिंग श्योर दैट वी आर रेजिंग अवेयरनेस। सो बेसिकली टाइगर्स जो हैं वो सर्व करते हैं एज एम्बेसडर्स फॉर प्रमोशन ऑफ देयर हैबिटेट्स और डाइवर्स स्पीशीज जो उनसे एसोसिएटेड है। स्टार्टिंग में ही मैंने बात की थी, मैंने कहा था टाइगर जो है वो अम्ब्रेला स्पीशीज हैं, दैट मींस दे नीड लार्ज रेंज एंड उनकी हैबिटेट नीड्स जो है बड़ी है। टाइगर्स को एक्सटेंसिव टेरिटरीज, आप कभी भी छोटी टेरिटरीज में टाइगर्स को नहीं पाएंगे, और साथ ही साथ उनको प्रे पॉपुलेशन जिस एनिमल्स पे स्पीशीज पे वो शिकार कर सकते हैं वो बड़ी पॉपुलेशन चाहिए। अगर हम इन एरियाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम बहुत सारी स्पीशीज को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स वी आर ऑलरेडी हेल्पिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्पीशीज। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रेडेटर्स हैं, ये टॉप ऑफ द फूड चेन में पाए जाते हैं। इनका पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करना इंडिकेट करता है कि यहां पर जो पॉपुलेशन है बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो चेक में रहेगा। अगर टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है तो वो क्लियरली हाईलाइट करता है कि और भी एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो आ सकते हैं आगे इन टर्म्स ऑफ अनबैलेंस्ड एनवायरनमेंट। तो अभी हमने यहां पर समझा कि सिग्निफिकेंस ऑफ टाइगर रिजर्व क्या है। अब हम आ जाते हैं उस बात पे जिससे हमने बात स्टार्ट की थी कि प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन अ रोरिंग सक्सेस। अगर हम 2006 के नंबर से बात करें तो हमें टोटल 100% से ज्यादा रिजल्ट देखने को मिला है। इस पर्टिकुलर टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में सबसे आगे रहा है मध्य प्रदेश, जो इस वक्त होस्ट कर रहा है हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर स्टेट्स वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश के पास है, फिर कर्नाटका एंड थर्ड नंबर पर आता है उत्तराखंड विद पॉपुलेशन ऑफ 562 टाइगर्स। अब अगर आप यहां से नंबर दे सकते हैं तो 2006 में जो नंबर था वो 1411 था और इस वक्त The number stands at 3,682 और सबसे ज्यादा टाइगर जिस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं दैट इज कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड, उसके बाद बांदीपुर, नागरहोल इन कर्नाटक, बांधवगढ़ इन एमपी एंड मुदुमलाई तमिलनाडु। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि प्रोजेक्ट टाइगर एक रोरिंग एक इंपॉर्टेंट सक्सेस मार्क कर चुका है टाइगर कंजर्वेशन की और एफर्ट जो है कंटिन्यू किए जा रहे हैं, उसका ये एविडेंस है कि यस कैसे प्रोजेक्ट टाइगर ने यहाँ पर नंबर्स दिखाए हैं और कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स जो है वो हुआ है और पॉपुलेशन जो है टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसी भी टाइगर रिजर्व के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। यहां पर जब भी स्पीशीज को बचाया जा रहा है, जब भी हम एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो यहां पर उनको कंजर्व किया जाता है ऐसी जगह पर जो उनके नेचुरल होम्स से बाहर है। यहां पर इन सीटू कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पीशीज को उन जगह बचाया जाता है या कंजर्व करने की कोशिश किया जाए जो उनके नेचुरल हैबिटेट में है। तो अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन दोनों ही देखने को मिलेगा, जहां पर जरूरत है स्पीशीज को बचाने की ताकि एक ऐसे स्टेट में जहां पर उनको हेल्प की जरूरत है तो उनको जू में अगर रखा गया है या किसी बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया है दैट विल बी कंसिडर्ड इन एक्स सीटू कंजर्वेशन। बट अगर जहां पर नेचुरल होम में जैसे कि टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स में रखा गया है दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो मेजर फोकस इन सीटू कंजर्वेशन पे रहा है। इन सीरियस कंडीशंस और अर्जेंट कंडीशंस एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स का भी यूज किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोजेक्ट टाइगर का दैट इज द रेगुलर काउंटिंग ऑफ टाइगर्स। प्रोजेक्ट टाइगर का अगर प्रोग्रेस समझना है, इंपैक्ट समझना है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटेक्शन एफर्ट्स का क्या चीज काम कर रहा है, तो यहाँ पर काउंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पुराने मेथड्स जैसे कि पग मार्क से काउंट करना, साथ ही साथ इनको रिप्लेस किया गया है कैमरा ट्रैप्स और डीएनए टेस्ट से ताकि बेटर और एक्यूरेट काउंटिंग हो सके। साथ ही साथ टाइगर सेंसस ऑफ इंडिया जब भी होती है तो वहां पर डबल सैंपलिंग मेथड का यूज होता है, जहां पर ग्राउंड बेस्ड साथ ही साथ इमेज सर्वेस जो है कंडक्ट किए जाते हैं टू इंश्योर अ प्रॉपर काउंटिंग ऑफ द टाइगर्स। साथ ही साथ यहां पर टाइगर रिजर्व्स में कोर बफर स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, जहां पर मेन रीजन जो होता है कोर रीजन वो रखा जाता है और ये कोर एरिया जो है इसको फ्री रखा जाता है किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरवेंशन से। इसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है एक बफर एरिया जिसमें टू एन लिमिटेड एक्सटेंट विलेज सेटलमेंट्स अलाउड हैं, जहां पर मैन और एनिमल को एग्जिस्ट कर सकते हैं बट यहाँ पर फुल ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड है। सर्टेन एक्टिविटीज अलाउड हैं जैसे कि कुछ कम्युनिटीज का सेटलमेंट जो एनवायरमेंट और स्पीशीज को हार्म ना करे। तो टाइगर रिजर्व्स में आपको कोर बफर स्ट्रैटेजी भी देखने को मिलेगा। अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें टू प्रोटेक्ट टाइगर्स जो एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल यस हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर्स है एंड उसने ये डिलीवर भी किया है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो मैनेज करते हैं और यहाँ पर जो नंबर्स हमें दिखा रहे हैं वो एक डेफिनेट सक्सेस दिखा रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में ये और बेटर होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैनेजमेंट देखा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर का दैट इज अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि 55 रिजर्व्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उनको मैनेज करती है, जिसके पास अलग अलग इकोसिस्टम है। 55 टाइगर रिजर्व सारे यूनिक है अपने इकोसिस्टम के टर्म्स में एंड द मैनेजमेंट जो है वो NTCA देखती है। जो कोर एरियाज है, कोर और बफर स्ट्रैटेजी की हमने अभी बात की थी, जो कोर एरियाज हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं है, जबकि बफर जोन्स में कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं। अब हम लेजिस्लेशन की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 मेन लेजिस्लेशन है जो कि बैन करता है हंटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ टाइगर, जो कि क्लियरली बैन करता है हंटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ टाइगर्स। एनटीसीए जो कि काफी लेट 2005 में एस्टैब्लिश हुई है, उन्होंने मेन कोऑर्डिनेशन किया है कंजर्वेशन इफेक्ट के लिए, और साथ ही साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006 में आया था वो प्रोटेक्ट करता है जो भी फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज हैं ताकि उनका भी कंजर्वेशन हो सके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के साथ और उनको यूज किया जा सके टू हैव द पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वी ऑल्सो हैव वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि फोकस करता है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में और ट्रेनिंग और रिसर्च सपोर्ट ऑफर करता है। एंड वी ऑल्सो हैव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स टीपीएफ जिसको 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि टाइगर्स को सेफगार्ड किया जा सके और जो पोचिंग होती है उनकी उसको कॉम्बैट किया जा सके। अब और अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी किए गए हैं एज एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। इंडिया के कई अग्रीमेंट हैं और इंडिया कई इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स का पार्ट है जहां पर टैकल करने की कोशिश की गई है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा पार्टिसिपेशन इन साइट्स। इंडिया इज पार्टी टू साइट्स, इंडिया जो है इट इज पार्टी टू साइट। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल बिग टैग अलायंस है जिसके अंतर्गत 97 नेशंस साथ में आए हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व 7 बिग कैट स्पीशीज जिनमें से टाइगर एक है। उसके अलावा एम स्ट्राइप्स ऐप जिसका एक ऑलरेडी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, 2010 में इस ऐप को लॉन्च किया गया था जो ट्रैक करता है और मैनेज करता है टाइगर्स को जो कि रिजर्व्स में पाए जाते हैं। इवन दो प्रोजेक्ट टाइगर आज के समय पर एक सक्सेस है और ऑनगोइंग एफर्ट्स जा रहे हैं फर्दर टू चेंज द नंबर्स, इनको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बट अभी भी कुछ चैलेंजेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं टाइगर कंजर्वेशन में, जैसे कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम बात करें जैसे जैसे टाइगर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है और इसको मैनेज करना, ह्यूमन पॉपुलेशन को साथ ही साथ टाइगर पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि एट मेनी सिचुएशंस हमने देखा है टाइगर्स जो है शिकार करते हैं फार्म्स में जो कि लाइव स्टॉक होते हैं फार्मर्स के, कभी कभी ह्यूमन पॉपुलेशन पे भी अटैक कर देते हैं। तो इन सिचुएशंस को मैनेज करना एक चैलेंज की तरह उभरता जा रहा है। साथ ही साथ हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन देखा जा रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं या जो एरियाज हैं जहां पर टाइगर्स का हैबिटेट है वो इफेक्ट हो रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो उसका सबमर्जेंस देखा गया, पन्ना टाइगर रिजर्व के एक अच्छे खासे पोर्शन का सबमर्जेंस देखा गया इन केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए यहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो इनको बैलेंस करना भी एक चैलेंज है। फर्दरमोर इलीगल हंटिंग, इवन आफ्टर लीगल मेजर्स अभी भी इलीगल हंटिंग जो है टाइगर पार्ट्स के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ इंक्रोचमेंट जो हो रहा है डेवलपमेंट की वजह से, फास्ट बिल्डिंग एंड सिटीज जो कि बन रही है और इस वजह से जो टाइगर्स हैं अपना हैबिटेट जो है वो ग्रेजुअली लूज कर रहे हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइगर हमें देखने को मिल रहा है, कुछ एरियाज जैसे कि नीलगिरीज एंड सतपुराज वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है, बट अगर हम कुछ एरियाज देखें जैसे कि वेस्टर्न घाट्स वहां पर पॉपुलेशन घट रही है। तो हम इस बात से खुश नहीं हो सकते कि ओवरऑल नंबर बढ़ा है, हमें ये भी देखना होगा कि ये जो सक्सेस है ये एक जगह से नहीं है, अनइक्वल नहीं है और सारे पार्ट्स, सारे स्टेट्स और पार्ट्स और टाइगर रिजर्व्स में सिमिलर नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फर्दरमोर अगर हम फंडिंग की बात करें तो ये भी एक मेजर इशू है क्योंकि टाइगर के कंजर्वेशन फंडिंग जो है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है एज कंपेयर टू 2018 एंड 2022-23। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्योंकि अब एक सक्सेस हो चुका है हम उससे अपना कंसंट्रेशन हटा सकते हैं। वी एज अ कम्युनिटी आवर गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस एंड कीप द एफर्ट रीइंस्टेटेड ताकि टाइगर कंजर्वेशन जो है वो आगे भी सॉलिड चलता रहे। अब अगर हम बात करें हम आगे क्या सोच सकते हैं, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, तो जरूरी है यहाँ पर जो इश्यूज आ रहे हैं जैसे कि हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इन चीजों को एड्रेस किया जाए। इसमें हैबिटेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जैसे कि लिडार। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बेसिकली ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है ताकि प्रॉपर मैपिंग और मैनेजमेंट हो पाए टाइगर रिजर्व्स का। मॉनिटरिंग एंड रिसर्च जो है जिसमें हम कैमरा ट्रैप्स यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं ताकि प्रॉपर हम टाइगर पॉपुलेशन को मॉनिटर कर सके एंड अकॉर्डिंगली उनके मूवमेंट पैटर्न्स और क्रूशियल मूवमेंट्स जो है उनको समझ के उनके लिए रिसर्च करके बेटर मेज लेके आए। अदर देन दैट अगर हम बात करें तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वी फोकस ऑन इंक्लूसिव कंजर्वेशन। यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, हैबिटेट लॉस को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ उन कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है जहां पर टाइगर का मूवमेंट देखा गया ताकि उनका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो है वो इंश्योर हो कि वो नहीं हो रहा है। Overall, we have covered all the details related to Project Tiger and the conservation status of the species big cat tiger, and I hope you are clear with all of this क्योंकि ऐसे जो topics हैं उनका occurrence आपके exam में in one way or the other देखने को मिलता है। That was all from my side. For more such videos and content related information, please follow, subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.